जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक प्रोजेक्ट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक बंडी एरे यानी कि वन डायमेंशनल एरे है और उस एरे में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नंबर्स में है या फिर इंटीजर्स में है, तो उनमें से आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा आइटम आपका मैक्सिमम है और कौन सा आपका मिनिमम है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो सपोज कीजिए आपके पास एक एरे है और इस एरे का जो सबस्क्रिप्ट है या जो साइज है वह है 5। तो अगर इस एरे के अंदर आपके पास 5 वैल्यूज है, सपोज कीजिए आपके पास है एक 2, 3, 1, 4, 5। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि इस एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि जो 5 या लास्ट एलिमेंट जो है इस एरे का वह सबसे बड़ा एलिमेंट है, या जो मिडिल एलिमेंट है 1 वह इस एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है। पर अगर आपके पास बहुत बड़ा एरे है जिसका साइज बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट है तो आप ऐसे देख के नहीं बताएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये आपसे ऐसे कोई पूछेगा भी नहीं, तो आपको ये प्रोग्राम से बताना है कि आपको इस एरे में सबसे मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो इसके लिए आपको लॉजिक लगाना होगा, तो उस लॉजिक को यूज करके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सपोज कीजिए ये एरे है और इस एरे का एक मेमोरी एलोकेशन है। दोस्तों जैसे कि एरे का साइज जो हमारा 5 है और मैंने आपको बताया था कि जो एरे का लास्ट एलिमेंट होता है वह आपका इस साइज से 1 कम होता है यानी कि n माइनस 1 होता है, तो इसलिए हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वह होगा हमारा एरे इंडेक्स वैल्यू 4। ठीक है, क्योंकि एरे हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका एरे इंडेक्स 0। तो दोस्तों ऐसे में सपोज कीजिए आपके पास ये 3, 1, 4 वाले एलिमेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ ये 2 एलिमेंट है, यानी कि ये 2 स्टोर हुआ आपका एरे 0 इंडेक्स पर। तो ऐसे में बाकी इंडेक्स आपके पास नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सपोज कीजिए भाई आपका 2 है या 1 है या 4 है, 0 है, कुछ भी है, और कोई आपसे पूछे कि ये सिंगल जो नंबर है इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है और सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा एलिमेंट भी यही खुद होगा और सबसे छोटा एलिमेंट भी ये खुद होगा। यानी कि अगर एक एलिमेंट है तो वह अपने आप में ही बड़ा है और अपने आप में ही छोटा है। तो अगर किसी एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वही बड़ा है और वही छोटा है। पर अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, तो ऐसे में हम जो पहला एलिमेंट होगा इसको बड़ा और छोटा दोनों मानेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट अपने आप में बड़ा और छोटा होता है। उसके बाद इस एलिमेंट को सबसे कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, अगर ये पहले एलिमेंट से छोटा एलिमेंट हमें मिलता है तो इसका मतलब वही आपका नया मिनिमम एलिमेंट होगा, और अगर इस पहले एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट आपको मिलता है तो इसका मतलब वह जो मिला नया एलिमेंट है वही आपका मैक्सिमम नया एलिमेंट होगा। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम नाम के आपको 2 वेरिएबल चाहिए जिनको आपको समय समय पर अपडेट करना होगा, और जो लास्ट में मिनिमम की वैल्यू होगी वही आपका फाइनल मिनिमम नंबर होगा, और जो मैक्सिमम की लास्ट वाली वैल्यू होगी वही आपका मैक्सिमम नंबर होगा। तो इसको हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। दोस्तों हैश इंक्लूड वगैरह आप खुद ही लगा दीजिए, जो भी हेडर फाइल आपको लगानी है। मैं सीधे मेन फंक्शन के अंदर से स्टार्ट करता हूँ। आपके पास एक एरे है इंट एरे जिसका साइज आपने 5 मान लिया और इसके अंदर कुछ वैल्यू है जैसे कि 2 है, 1 है, 3 है, 4 है और 5 है। क्योंकि आपको लूप भी चलाना है, एरे का काम है, तो आपको एक और लोकल वेरिएबल की जरूरत पड़ी जिसका नाम है आई। ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको बताया और आपको और वेरिएबल चाहिए, एक का नाम होगा मिनिमम, एक का नाम होगा मैक्सिमम। अभी फिलहाल हमें यही वेरिएबल्स चाहिए जो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। एरे को दोस्तों मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज किया हुआ है, अगर आप चाहें तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एरे आपने यहाँ पर ले लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरे का पहला जो एलिमेंट होगा वह अपने आप में बड़ा होगा और अपने आप में ही छोटा होगा, तो एरे का पहला एलिमेंट जो है वह आपका है 2, और वह किस पोजिशन पर है, वह पोजिशन है उसकी एरे 0। ठीक है, और वह कौन सा है, वह है 2। तो मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट आपका यही होगा। तो शुरुआत में हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम और ये दोनों बराबर होंगे आपके एरे इंडेक्स वैल्यू 0 के, यानी कि एरे 0 के जो भी वैल्यू होगी वह मिनिमम की वैल्यू होगी और वही वैल्यू आपकी मैक्सिमम की होगी। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वह है हमारी 2। इसके बाद हम चेक करना स्टार्ट करेंगे कि बाकी जो एलिमेंट है वह जो एरे 0 इंडेक्स है उससे छोटे हैं या बड़े हैं। तो दोस्तों एरे के हर एक इंडेक्स को हमें ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स मतलब कि हमें एक एक इंडेक्स, एक एक एलिमेंट को हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। दोस्तों एक बात और देखिए कि हमने जब भी एरे में लूप का यूज किया तो हमने उसे आई से ही स्टार्ट किया, आई की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की,
और हमेशा उसे हम एक कम साइज चलाते थे, यानी कि आई लेस देन टू साइज ऑफ एरे। कैसे चलाते थे? हम चलाते थे आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन टू साइज, साइज है आपका 5, और आई प्लस प्लस, हम ऐसे चलाते थे। पर क्योंकि हमें पता है कि एरे जीरो जो है वही हमारा मिनिमम है और वही हमारा मैक्सिमम है, तो हम इसको खुद से तो कंपेयर कराएंगे नहीं, तो हम चाहेंगे कि अगले वाले एलिमेंट यानी कि एरे इंडेक्स 1 से हमारा लूप जो है वो काम करना स्टार्ट करे। तो ऐसे में हम आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, यानी कि आई को हम चलाएंगे 1 से, और कहाँ से चलाएंगे? वही एरे के साइज से कम तक, यानी कि आई इज लेस देन टू एरे ऑफ साइज। उसके बाद आई प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा जो आई चलेगा वह चलेगा 1, 2, 3 एंड 4 तक। उसके बाद हमें चेक करना है हर एक एलिमेंट। दोस्तों एरे का जो पहला वैल्यू था वह हमारा मिनिमम मान लिया, वही हमने मैक्सिमम मान लिया, तो मिनिमम की वैल्यू 2 है हमारी और मैक्सिमम वैल्यू भी हमारी 2 है। तो हमें अब स्टार्ट करना है एरे इंडेक्स वैल्यू 1 से, ठीक है? तो हम चेक कराते हैं इस एलिमेंट को, यानी कि एरे और इंडेक्स वैल्यू आई, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और बार बार इंक्रीमेंट होगी। तो एरे का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट आएगा, उसे हम चेक कराएंगे क्या वह छोटा है हमारे मिनिमम से। अगर वह मिनिमम नंबर से भी छोटा है तो इसका मतलब वह आपके पास एक नया छोटा नंबर है मिनिमम का। तो उसको हम दोबारा किस में इनिशियलाइज कराएंगे? मिनिमम वाले वेरिएबल में। तो मिनिमम में हम इनिशियलाइज कर देंगे उस नए छोटे नंबर को, तो एरे आई। एक बार आप दोबारा समझिए कि अगर हमारे पास जो नया एरे एलिमेंट है वह छोटा है हमारे पुराने मिनिमम एलिमेंट से, तो हमारे पास एक नया छोटा एलिमेंट आ गया, तो हम उसी वेरिएबल में, मिनिमम वाले वेरिएबल में जो हमें नया छोटा एलिमेंट मिला है उसको अपडेट करा देंगे, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एक और कंडीशन चेक करेंगे कि अगर वही एलिमेंट एरे आई, वही एलिमेंट अगर बड़ा है हमारे मैक्सिमम वाले नंबर से, जो हमारे मैक्सिमम था उससे भी कोई अगर बड़ा है, तो नया हमारे पास मैक्सिमम आ गया, तो मैक्सिमम के अंदर हम इस एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज करा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक प्रिंट एफ यूज करना है, और प्रिंट एफ में हम बता देंगे कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर होगा परसेंटेज डी ये होगा, और जो मिनिमम नंबर होगा मीन इक्वल टू परसेंटेज डी वही होगा, और मैक्स और मिन की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। फिर गेट सीएस वगैरह और जो भी आपको करना है मेन के अंदर वह आप क्लोज कर दीजिएगा। तो ऐसे में आप देखिए, अगर आई हमारा 1 से स्टार्ट होता है तो कंडीशन हमारी होती है कि एरे 1 एलिमेंट पर क्या वह मिनिमम से छोटा है। तो एरे 1 पर हमारे पास 1 है, और जो हमारा पुराना मिनिमम वैल्यू है वह हमारी 2 है, तो 1 इज लेस देन टू 2, यानी कि हमारे पास नया एक मिनिमम नंबर आ गया। तो मिनिमम के अंदर हम उस नए एलिमेंट को पास कर देंगे और मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। ऐसे ही हम उस एलिमेंट को दोबारा चेक करेंगे कि हाँ वह मैक्सिमम से बड़ा है, तो मैक्सिमम से बड़ा नहीं है यानी कि 2 से बड़ा नहीं है, तो वह दोबारा अपना लूप पर जाएगा और लूप इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है? तो आई की वैल्यू फिलहाल 2 होगी, तो एरे 2 पर जाएगा और चेक करेगा 2 इज लेस देन टू मिनिमम नंबर, तो एरे 2 पर है 3, और मिनिमम नंबर जो है हमारे पास वह है अब नया 1, तो वह छोटा नहीं है तो मिनिमम नहीं अपडेट होगा। तो फिर चेक करेगा मैक्सिमम के लिए, तो एरे 2 पर हमारे पास है 3 और वह मैक्सिमम है मैक्सिमम नंबर, और मैक्सिमम नंबर आपका क्या था? पुराना 2 था, तो ये बड़ा है, तो मैक्सिमम नंबर अपडेट होकर इस बार हो जाएगा 3। तो ऐसे ही हमारा मिनिमम और मैक्सिमम अपडेट होता रहेगा, और जो लास्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा उसे चेक करने के बाद जो भी हमारा फाइनल मिनिमम होगा और जो भी हमारा फाइनल मैक्सिमम होगा वही वैल्यू को हमारे पास ये प्रिंट कर देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या फिर मैं कहीं गलत कर चुका हूँ या फिर मैंने कहीं गलत बता दिया, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ और क्वेरीज है इस टॉपिक से रिलेटेड या सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर वहां मुझे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।